हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अभी हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और अभी जस्ट मैं नहाकर आ रही हूँ, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के आई थिंक 12 बज रहे हैं। और हम लोग हमारे फ्रेंड के घर पर ही स्टे किए हैं। अभी 2-3 दिन तो हम लोगों को यहीं रुकना है ना, तो अभी हम लोग यहीं रुकेंगे। और अभी ट्रैवल को भी मुझे फैलाना, तो अभी मैं थोड़ी देर से फैला दूंगी। और हम लोग कल आ गए थे, कल वाले आप लोगों ने ब्लॉग में देख लिया होगा, हम लोग यहाँ आ गए थे। हम लोगों ने शाम में पूजा वगैरह की और फिर ऊपर आके बातें बातें करते रहे, खाना वाना सब था, तो खाना वाना खाया हम लोगों ने और बस चिल मारते रहे, कुछ नहीं किया। और फिर बहुत ना दिन भर मतलब इधर उधर भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा, दिन थक भी गए थे, तो फिर मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। मैं 10 साढ़े 10 बजे तक तो मैं ढेर हो गई थी और लगता अभी गेट पर कोई आए, तो पहले मैं गेट भी लॉक कर देती हूँ। इलेक्ट्रिशियन भैया आए हुए थे ना, ये एक्चुअली लॉक सिस्टम है तो मुझे भी ज़्यादा पता नहीं, अभी नया नया है ना मेरे लिए, इसी वजह से। इलेक्ट्रिशियन भैया आए हुए हैं, कुछ फैन का अंदर ना पता नहीं कुछ जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा भैया ने बता दिया होगा, तो वही आए हुए थे तो हनी उसको सही करवा रहे हैं। और मैं बाहर बैठी हुई हूँ और अभी हम लोग रुकेंगे 1-2 दिन, यहाँ पे रुकना है हम लोगों को, क्योंकि डॉक्टर से हम लोगों को ना कल एक बार फिर से डॉक्टर से मीटअप करना है। ड्रेसिंग वगैरह जो है ना वो करवानी रहेगी और फिर देखते हैं कल के बाद हम लोग को क्या बोलते हैं, डॉक्टर जाने का बोलते हैं या फिर स्टे करने का बोलते हैं, जैसा भी बोलेंगे वो उन्हीं को फॉलो करना है हम लोगों को। और भैया चले गए हुए ऑफिस और प्रियंका भी चली गई है ऑफिस, अभी दोनों शाम में ही आएंगे। और खाना वाना बनाना था तो खाना वगैरह तो बाई वगैरह लगी हुई, तो सब बना के चले गए, बस हम दोनों को खाना ही खाना है। और सब्जी आज मैंने बनाई हुई, मैंने बोला कि मेरे हाथ की भी खा के देखो, तो मैंने आज सब्जी बनाई हुई है। पता नहीं दोनों टिफिन में लेकर तो गए, पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा, आई डोंट नो। अभी शाम में आएंगे तो मैं पूछूंगी दोनों से। और अच्छा लग रहा है, मतलब अपने पुराने फ्रेंड से मिलके ना मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हनी बहुत ज़्यादा खुश और मतलब उनके फ्रेंड्स लोगों से मिलके, और वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश है कि इतने दिनों बाद ना मतलब सब लोग मिल रहे हैं, 5 या 6 साल बाद ही लोग मिल रहे हैं। और पता इस्तेफाक की ये बात थी, ये लोग फ़ोन पे भी बात नहीं करते हैं कभी, बट इस तरह से उन्होंने एक मैसेज ड्रॉप किया कहाँ है करके और वो सडनली वहाँ आ गए, तो मतलब एक बॉन्ड होता है ना फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप वाला, तो वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये देखकर कि चलो यार एक मैसेज ड्रॉप किया और फ्रेंड वहाँ तक आ गए, मतलब इस तरह की फ्रेंडशिप मतलब बहुत कम लोगों की होती है। और हनी और इन सब लोगों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी, सब लोग कॉलेज फ्रेंड ही है। मैं तो आज सब लोगों से फर्स्ट टाइम, वैसे तो मैं सब लोगों को जानती थी, मतलब नाम से सबको जानती थी, बाय फेस तो मैं किसी को मिली नहीं थी, फर्स्ट टाइम ही मिल रही हूँ सब लोगों से। बट ना मुझे सीरियसली बता दो, मुझे पहली बार इन लोगों से मिल रही, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा, बहुत चिल आउट कर रहे हैं। और मुझे भी एकदम नई 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 सी मैं मेंबर हूँ फ्रेंड्स में, ऐसा भी नहीं लग रहा, पुराने ऐसा लग रहा मैं पता नहीं कितने सालों से इन लोगों को जानती, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तो हम लोग यही हैं, देखते हैं आज क्या करते हैं। वैसे हम लोग को बाहर तो जाना नहीं, क्योंकि बस हनी वॉक वॉक तो कर सकते हैं, भैया ने बोला कि अगर पार्क तक जाना तो भैया के घर के पास में ना पार्क भी है, तो वहाँ जाना हो घूमना फिरना हो तो घूम फिर सकते हैं। और आज ना मतलब 1.5 दिन के गणपति भी बहुत से लोग रखते हैं ना, तो मार्केट में ना बहुत ज़्यादा रश भी है, काफ़ी ज़्यादा ना ये लोग यहाँ से ना मतलब ढोल नगाड़े से बज बजा के ले गए थे, हम लोग देख रहे थे। अगर अभी कोई जाता है ना यहाँ से तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो चलो अभी देखते हैं क्या करते हैं, पूरा दिन जो जो चीज़ें करेंगे आपके साथ शेयर भी करते चलेंगे। और खाने में क्या बनाया हुआ है आज मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी देर से जब खाने जाएंगे ना तब बताऊंगी। अभी दोपहर के बज रहे हैं, 3 बजने ही वाले हैं, बस 10-15 मिनट की देरी है और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो मतलब एक्चुअली खाना तो पूरा बन गया था, बस चावल बनाने थे मुझे, तो चावल मैंने बना लिए हुए हैं और पूरा खाना रेडी था पहले से, तो बस रेडी है, तो फटाफट से चलिए खाना खा लेते हैं। आज क्या क्या बनाया हुआ वो बता दिया आपको, इसमें रखी हुई है रोटी, इसमें रखी हुई है मूंग की दाल जो कि हनी के लिए बनाई हुई है, इसमें है तुअर दाल जो कि हम सब लोग खाने वाले थे, और इसमें मैंने बनाई थी लौकी की सब्जी तो वो है, और ये अभी मैंने सैलेड कट किया हुआ है तो ये खाने वाले हैं। और चावल बस अभी प्रेशर निकल जाए इसके बाद खाना खाएंगे। और ये रहा अचार जो मैं लेकर आई थी ना, वो रखा तो अभी मैंने यहाँ रख दिया हुआ है, अभी खाने का मन करेगा तो खा लेंगे। तो चलो अभी पहले प्रेशर निकल जाए इसके बाद खाना खाते हैं। खाना निकाल लिया हुआ है तो खाना खा लेते हैं। ये रही मेरी प्लेट, दाल चावल रोटी सब्जी और सैलेड, और ये सब मैंने यहाँ रख दिया हुआ है, तो चलिए खाना भी खा लेते हैं। शाम का टाइम हो रहा है, 7:30 बज रहे हैं और मैं हो चुकी हूँ रेडी, और ये दोनों भी ऑफिस से आ गए हैं, ये लोग भी रेडी हो रहे हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, क्योंकि एक फ्रेंड है इन लोगों की, तो उन्होंने बुलाया हुआ, लोगों को पता चल गया कि आए हुए हैं ये लोग, सब लोग मिले हैं तो फिर मुझे भी मिलना चाहिए, तो अभी उन्हीं के घर जा रहे हैं। तो चलो अभी निकलते हैं, रेडी तो मैं हो गई हूँ, ये लोग भी आ जाए इसके बाद निकलते हैं। चलो चलते हैं, सेकंड फ्लोर पे इन लोगों का फ्लैट है और मैं स्टेयर से जाना मुझे अच्छा लगता है, ये लोग आगे आगे चल रहे हैं और मैं पीछे पीछे चल रही हूँ इन लोगों के, तो चलो चलते हैं। चलो।
तो अभी हम लोग पहुंच गए हमारे फ्रेंड के घर पे, और इतने सालों बाद ना पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कोई 4 साल बाद मिल रहा है, कोई 5 साल बाद मिल रहा है, तो इतना अच्छा लग रहा था ना। सब लोगों को मिलकर बहुत चिल आउट कर रहे थे, और मैं कॉलेज फ्रेंड नहीं हूँ, मतलब मैं इन लोगों को नहीं जानती, बट हाँ मैं नाम से सबको जानती हूँ। बाकी बाई फेस मैं भी पहली बार मिल रही थी इन लोगों से, और मुझे बिल्कुल भी फर्स्ट टाइम जैसा मीटअप होता ना वैसा कुछ भी नहीं लग रहा था। और हम लोगों के लिए नाश्ता लेकर आई थी प्राची, तो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। और देखो ये कुकी जो है ना वो यूके की कुकी थी, प्राची की सिस्टर वहाँ से आए थे ना, तो वो लेकर आए थे। और बस यहाँ पे सारे फ्रेंड्स लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, जो पुरानी मेमोरी है ना उनको फिर से एक बार रिमाइंड करो। और ऐसे होता है ना जब भी फ्रेंड्स लोग मिलते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि वाओ क्या लाइफ है, चिल आउट करना चाहिए, मस्ती मजाक करना चाहिए। इतने सालों बाद सब दोस्त लोग बैठे हुए हैं, मस्ती मार रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर ना प्राची ने हम लोगों के लिए बनाया हुआ है खाना, तो देखो उसने क्या बनाया हुआ है, ये है पूरन पोली। वो महाराष्ट्रियन है ना, तो फिर पूरन पोली उसने बनाई, तो बहुत टेस्टी पूरन पोली बनाई थी। अब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना तो मैं स्पेशली डिमांड करके उनको बोलूंगी कि मेरे लिए पूरन पोली ही बनाना। तो हम लोगों ने पूरन पोली खूब इंजॉय की। आप लोगों को कैसे लगती कमेंट करके बताना। और अभी हम लोगों का निकलने का टाइम हो गया था, तो वो महाराष्ट्रियन है तो यहाँ पे हल्दी कुमकुम का ट्रेडिशन होता है, तो बस वही है ना, हमको हल्दी और कुमकुम लगा रही है। तो यहाँ पे ना प्रियंका को लग गया और ये भी मुझे लग रहा है, तो मतलब एक दूसरे को ऐसे मतलब लगाते हैं, जब कोई आपको लगाता है तो आपको सामने वाले को भी लगाना है, तो बस जैसे वो बताती जा रही थी ना वैसे हम लोग करते जा रहे थे। और यहाँ पे बस हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे, और प्रियंका शूट कर रही है, मिरर में दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो खूब ज़्यादा फ्रेंड्स लोगों के साथ मिल जाओ ना, तो बस चिल आउट करने का मन करता था। टाइम तो ऐसे भाग रहा था, ऐसा लगता थोड़ी देर और टाइम हो जाए तो रुक जाओ। और वो कुछ गिफ्ट लेकर आए थे हम लोगों के लिए, तो बस वही हम लोगों को दे रहे थे, तो मैं वही बोल रही थी कि इसमें क्या क्या है, तो वो बता रहे थे। मतलब महाराष्ट्रियन कोई एक सेट था वो लेकर आए थे वो हम लोगों के लिए, तो बस वही देख रहे थे। और यहाँ पे ना हम लोग पिक वगैरह ले रहे हैं, तो सभी मतलब पुराने फ्रेंड्स वगैरह की बहुत सारी पिक्स हम लोगों ने क्लिक की हुई थी, तो बनता है ना इतने सालों बाद मिल रहे हैं तो पिक खींचना तो बनता है। हम लोग गए थे लॉन्ग ड्राइव पे, प्राची के घर से निकले और हम लोग चले गए लॉन्ग ड्राइव पे, मतलब बस घूमे जा रहे हैं इधर उधर, जहाँ पे भी ना ये लोग घुमा रहे वहाँ घूम रहे हैं। और अभी हम लोग आए हैं ईरानी चाय वाला है, हाँ ईरानी शॉप करके नाम है, तो वहीं आए हुए। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ खाते पीते हैं और फिल आउट करते हैं, तो दिखाऊँ आप लोग ईरानी कैफे लिखा हुआ है, तब हम लोग यहाँ आए हैं। और ये अभी है, देखते हैं क्या ऑर्डर करते, क्या ऑर्डर करने वाले हम लोग, चाय और चीज़ सैंडविच। वहाँ चल रहे हैं, नहीं ये बस तो वहाँ वहाँ जा रहे हैं, चलो तो चलो अभी चाय और चीज़ सैंडविच आ रहा है, वो आ जाए। रात का 12:30 बज रहा है और अभी हम लोग बस 5 मिनट पहले ही घर आए हुए हैं, और मैंने मुँह हाथ धुला है, ड्रेस वगैरह चेंज की हुई है, और अभी हनी वो टैबलेट्स लेनी है, तो बस मैं उनके टैबलेट्स लेने के लिए आई हूँ। मतलब खाने के बाद की कुछ टैबलेट्स हैं और एक तो समय जो सिरप देना है ना, तो वही मैं निकाल देती हूँ। तो अभी हनी गए मुँह हाथ धुलने के लिए आएंगे, तो फिर उनको दवाइयाँ दे दूँगी उनकी। और अभी ना रात के 12:30 बज रहे हैं और हम लोग बस अभी थोड़ी देर पहले आए, तो हम लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए थे। अभी फ्रेंड्स लोगों के साथ तो ऐसा चलता है ना, तो बस चले गए थे और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। और हनी के लिए स्पेशली हम लोग गए थे कि मतलब क्या ना कि वो हॉस्पिटल में रह रहे हैं और ये सब पेन पेन का देख देख कर ना, मतलब ऐसा ना हो कि डीमोटिवेट होने लग जाए, तो फिर हम उनको थोड़ा सा चिल कराने के लिए लेके गए थे और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय। और पहली बात तो ये है ना कि वो बहुत अच्छे से बैठ लिए, इतनी देर हम लोगों से बार बार सब लोग पूछ रहे थे कि पेन तो नहीं हो रहा, सो लेटना तो नहीं है या फिर घर चलें, तो नहीं बोले नहीं अच्छा लग रहा है, मतलब मैं पहले इतनी देर नहीं बैठ पाता बट अब अच्छा लग रहा है, तो ये देख कर ना मुझे बहुत सुकून मिल रहा था और मतलब अच्छा लग रहा था सभी लोगों को। और हनी थोड़ा सा घुमा फिरा भी दिए ना हनी को, तो फिर और अच्छा लग रहा था। और ऐसे फ्रेंड्सों के साथ तो मतलब वो हमेशा से कॉलेज टाइम से ना ऐसे फ्रेंड लोगों के साथ घूमते फिरते थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था उनको और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था ऐसा देखिए कि सारे फ्रेंड्स ऐसा चिल आउट कर रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हैं, अच्छा लग रहा था। और हम लोग गए थे आज, कहाँ गए थे हम लोग, ईरानी कैफ़े, हाँ ईरानी कैफ़े, और हमारे इंदौर में है ईरानी चाय वाला, तो ईरानी चाय वाला ही मुझे याद आ रहा बट ईरानी कैफ़े वाला है। तो वहाँ पर फिर हम लोग रुके 11:30 बजे समथिंग, वहाँ पर चाय वगैरह इन लोगों ने पी और सैंडविच वगैरह मैंने खाया सैंडविच, और बाकी सब लोगों ने तो चाय पी। और चलो अभी मैं जाती हूँ दवाइयाँ देने के लिए और सोते हैं, और अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।